हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, जल्द ही जून 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट होने वाला है। सो आपको किस तरह से असाइनमेंट सबमिट कराने हैं उसकी गाइडलाइंस इग्नू की तरफ से रिलीज कर दी गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम बात करने वाले हैं आपको जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए अपने असाइनमेंट्स को किस तरह सबमिट कराना है उसकी गाइडलाइंस इग्नू की तरफ से रिलीज कर दी गई है। आपको वो फॉलो करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मेक श्योर की वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। जितने भी वीडियोज अपलोड होंगे सबके नोटिफिकेशन आपको मिलना जरूरी है, अदरवाइज आप कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी स्किप कर सकते हैं। सो हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स इग्नू में असाइनमेंट सबमिशन के बारे में जो जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए होने वाला है। सो उसकी जो गाइडलाइंस हैं फ्रेंड्स वो रिलीज कर दी गई हैं। आपको किस तरह से अपने असाइनमेंट को सबमिट कराना है डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से आप अपने असाइनमेंट को सबमिट करा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो गाइडलाइंस है वो रिलीज की गई है दिल्ली रीजनल सेंटर 1 की तरफ से। जी हाँ फ्रेंड्स, इग्नू का बहुत ही बड़ा और फेमस रीजनल सेंटर दिल्ली 1 रीजनल सेंटर, जिसकी तरफ से ये गाइडलाइंस इतनी जल्दी रिलीज कर दी गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी फरवरी मंथ स्टार्ट हुआ है और जो आपकी असाइनमेंट सबमिशन है वो मार्च अप्रैल में होती है, बट ये जो गाइडलाइंस है वो आपकी सुविधा के लिए जल्दी रिलीज कर दी गई है ताकि आपको पता हो और किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। गाइडलाइंस रिलीज होने का मतलब ये नहीं है कि आपको अभी अपने असाइनमेंट को सबमिट कराना है। आई नो अभी आप में से बहुत से स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट्स नहीं बना पाए हैं और बहुत से स्टूडेंट्स की जो कोर्सेज हैं उनके असाइनमेंट्स अभी तक पोर्टल पर अवेलेबल भी नहीं है। ये इग्नू का ऑफिशियल असाइनमेंट पोर्टल है, आपको यहाँ से अपने असाइनमेंट्स बनाने होते हैं। जिस भी प्रोग्राम से डिग्री से आप बिलोंग करते हैं उस पे से आप अपने असाइनमेंट्स को बना सकते हैं। असाइनमेंट्स बनाने के लिए अगर आपको रेफरेंस की जरूरत है, किसी प्रकार की हेल्प की जरूरत है, तो आप गुली बाबा से कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं गुली बाबा के एक्सपर्ट से और यहां पर आपको जरूर हेल्प मिलेगी। सो आप इग्नू सॉल्व असाइनमेंट में देख सकते हैं टाइप कॉपी और हैंड रिटन कॉपी, आपको सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी सभी तरह के ऑप्शन नजर आएंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी चूज कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं फ्रेंड्स सबमिशन की। जब आप अपने असाइनमेंट्स बना लेंगे, सभी कोर्सेज के असाइनमेंट्स आप एक साथ ही सबमिट कराइएगा। जितने भी असाइनमेंट्स आपको सबमिट कराने हैं वो आपके ऊपर है कि आप सभी कोर्सेज के कराना चाहते हैं या फिर कुछ कोर्सेज के कराना चाहते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप अपने असाइनमेंट्स जरूर सभी कोर्सेज के एक साथ कराएं, जिस भी सेमेस्टर से या ईयर से आप बिलोंग करते हैं। जितने भी एग्जामिनेशन में आप अपीयर करने वाले हैं वो आपकी चॉइस है, बट असाइनमेंट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि जो असाइनमेंट्स के मार्क्स होते हैं फ्रेंड्स वो थोड़ा समय भी ले लेते हैं कई बार अपडेट होने में। तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े और टाइमली आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स अपडेट हो जाएं, जिसकी वजह से आपकी डिग्री भी डिले ना हो, तो आप जरूर टाइमली अपने अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कराइए। सो अब बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए बहुत से जो स्टडी सेंटर हैं वो इस रीजनल सेंटर के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें तो 31 स्टडी सेंटर यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। सो सबके सामने फ्रेंड्स अलग अलग तरह से आपको गाइडलाइंस दी गई हैं। जिस भी स्टडी सेंटर के सामने आपको इस तरह से ब्लू लिंक नजर आ रहा है, सो यहाँ पर इसका क्लियर मतलब है कि आपको अपने असाइनमेंट्स को ऑनलाइन सबमिट कराना है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये गूगल फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा। जब आप गूगल फॉर्म ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगी, क्योंकि जब फ्रेंड्स आप अपने असाइनमेंट्स को ऑनलाइन सबमिट कराते हैं तो उसमें इग्नू को श्योरिटी चाहिए होती है कि ये आप ही के असाइनमेंट है और किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो, उससे बचने के लिए भी ये गाइडलाइंस आपको दी जाती है। तो अगर ऑनलाइन अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कराने वाले हैं तो इनको जरूर फॉलो कीजिएगा। जब आप अपने असाइनमेंट्स को स्कैन करेंगे तो उन्हें बहुत नीट स्कैन कीजिएगा, रीडेबल होने चाहिए, कहीं से कॉर्नर्स कट नहीं होने चाहिए, फ्रंट पेज प्रॉपर होना चाहिए, ओरिजिनल आईडी कार्ड ही स्कैन कीजिएगा, फोटोकॉपी स्कैन मत कीजिएगा। सो और बाकी इन्फॉर्मेशन जो ये आपको दी गई है वो भी आप पूरी अच्छी तरह से जरूर पढ़ लें। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आप दिल्ली 1 रीजनल सेंटर के स्टूडेंट नहीं है तब आपको इस फॉर्म से अपने असाइनमेंट्स को सबमिट नहीं कराना। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मेंशन किया है कि ये दिल्ली 1 रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए है। दिल्ली 1 रीजनल सेंटर में फ्रेंड्स 31 स्टडी सेंटर आते हैं, तो अगर आप इनमें से किसी भी स्टडी सेंटर के स्टूडेंट हैं तब ही आपको इस गूगल फॉर्म से अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कराना है, अदरवाइज आपके मार्क्स भी अपडेट नहीं होंगे और आपकी सारी मेहनत भी वेस्ट हो जाएगी। और यहाँ पर 10 MB का साइज आपको मैक्सिमम बताया गया है। आप एक असाइनमेंट की PDF का जो साइज है वो 10 MB मैक्सिमम रख सकते हैं, अदरवाइज आपका जो असाइनमेंट है वो अपलोड नहीं होगा या फिर अप्रूव नहीं होगा। सो किस तरह से आपको अपने असाइनमेंट का नेम रखना है सब कुछ यहाँ पर बता दिया गया है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको फ्रंट पेज देखने को मिलेगा। फ्रंट पेज इग्नू के असाइनमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये आपकी बहुत सी जानकारी कैरी करता है, जैसे आपका नेम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, कौन से कोर्स कोड का जो आपने असाइनमेंट सबमिट किया है, स्टडी सेंटर कोड, आप कहां से बिलोंग करते हैं, और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपका स्टडी सेंटर का एड्रेस, मोबाइल नंबर। कोशिश कीजिएगा कि आप अपना ही मोबाइल नंबर दें, किसी फ्रेंड या फैमिली का ना दें, क्योंकि जब भी इग्नू की तरफ से
कॉन्टैक्ट किया जाएगा, तो आप उसे डायरेक्टली रिवर्ट कर सकते हैं या फिर तुरंत उस इन्फॉर्मेशन को आप देख सकते हैं। ईमेल आईडी वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, उसका पासवर्ड आपको याद हो, आप उसे रेगुलरली ओपन करके देख सके, वही ईमेल आईडी आपको मेंशन करना है। और साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है डिटेल्स इफ दिस सेम असाइनमेंट हैज बीन सबमिटेड एनीवेयर ऑल्सो, ठीक है। अगर आपने ये जो असाइनमेंट है ऑफलाइन भी सबमिट करा दिया है या फिर कहीं और सबमिट करा दिया है गलती से या कैसे भी, तो वो डिटेल्स यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपसे एक डिक्लेरेशन भी मांगी गई है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो यहाँ पर आपने चेक कर ली है और वो सही है, अबव इन्फॉर्मेशन इज क्रॉस चेक्ड एंड इट इज करेक्ट, तो वो आपको कॉन्फर्मेशन यहाँ पर देनी है। तो ये फ्रंट पेज आप यूज कीजिएगा अगर दिल्ली वन रीजनल सेंटर के स्टूडेंट है। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो आपके असाइनमेंट्स है वन बाय वन ही सबमिट कीजिएगा। बहुत बार ये स्टूडेंट गलती करते हैं कि एक बार ही अपने असाइनमेंट्स को अपलोड कर देते हैं। आपको जितने भी असाइनमेंट सबमिट करने हैं उतनी ही बार आपको अपने लिए ये गूगल फॉर्म फिलअप करना होगा। ओके, सो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं और अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं अगर गूगल फॉर्म के जरिए आपको बताया गया है। तो ये जरूरी है, आप इसको जरूर देख ले, अपना स्टडी सेंटर देखिए। जैसे कि अगर हम बात करें जामिया नगर की, तो यहाँ पर ऑफलाइन बताया गया है, टाइमिंग्स भी मेंशन की गई है, एड्रेस भी मेंशन किया गया है, गेट नंबर भी मेंशन किया गया है, कोऑर्डिनेटर का नेम भी मेंशन किया गया है। बहुत ही डिटेल्ड गाइडलाइंस दिल्ली वन रीजनल सेंटर की तरफ से रिलीज की गई है जो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 30% वेटेज कैरी करते हैं आपके असाइनमेंट। अगर आपने असाइनमेंट सही से बनाकर सबमिट नहीं कराए जो प्रोसीजर आपको बताया गया है, तब हो सकता है कि आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स अपलोड होने में प्रॉब्लम हो। तो इस वजह से कोई भी चांस ना लेते हुए सभी इन्फॉर्मेशन को, सभी गाइडलाइंस को ठीक से देखते हुए अपने असाइनमेंट को सबमिट कराइएगा। जहां पर भी लिंक मेंशन नहीं है, ऑफलाइन मेंशन किया गया है, हार्ड कॉपी मेंशन किया गया है, आपको वहां पर जाकर ही अपने असाइनमेंट को सबमिट कराना है। जब भी असाइनमेंट सबमिट कराने जाएं अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड इग्नू का जरूर ले जाएं साथ में, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप इस तरह से अपने असाइनमेंट को सबमिट करा सकते हैं। जो भी डेट और टाइम मेंशन किया गया है आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें नेहरू नगर की, तो यहां पर भी हार्ड कॉपी में मेंशन किया गया है सेंटर ऑन संडे ओनली, तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ संडे ही जाना है। बट अगर हम बात करें हमदर्द नगर की, तो मंडे टू फ्राइडे मेंशन किया गया है। सो इस वजह से आप जिस भी स्टडी सेंटर से बिलोंग करते हैं उसको जरूर देख लीजिएगा। और दिल्ली वन रीजनल सेंटर के ही स्टूडेंट्स के लिए ये गाइडलाइंस अभी रिलीज की गई हैं। जैसे ही बाकी किसी और रीजनल सेंटर की तरफ से गाइडलाइंस रिलीज की जाएंगी, हम आपको जरूर मेंशन करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इग्नू की तरफ से ये जितने भी रीजनल सेंटर हैं सभी की तरफ से ज्यादातर गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। जिनकी तरफ से गाइडलाइंस जारी नहीं की जाती हैं, उनका क्लियर मीनिंग होता है कि आपको अपने असाइनमेंट्स को ऑफलाइन सबमिट कराना है, बाय हैंड वहां पर जाना है और सबमिट कराना है, ठीक है। तो जैसे ही कोई भी नई गाइडलाइन आएगी हम आपको जरूर नोटिफाई करेंगे। चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। अगर असाइनमेंट्स में किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो gulibaba.com से कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। सो आई होप ये वीडियो आपकी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। फ्रेंड्स, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन।